नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक न्यूमेरिकल स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले 4 क्लासेस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर के चारों क्लासेज आप देख सकते हैं। आज की क्लास है अपनी क्लास नंबर 5, जिसमें भी अपन वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखने वाले हैं। ये भी किसी न किसी टेक्निकल एग्जाम में आए हैं, अलग अलग पेपरों में से अलग अलग मैंने छाट छाट के इनको कलेक्ट कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम दे रखा है अपने पास। एक इंडक्टर ऐसे जोड़ रखा है, एक इंडक्टर ऐसे जोड़ रखा है, और ये लोग इस तरह से करके कुछ इस तरह से ये दे रखा है। ठीक है, एल इक्विवेलेंट यानी कि इंडक्टर, टोटल इंडक्टर निकलवा रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 8 ही नहीं, इसकी दे रखी है 2, ये 4 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, ये 8 दे रखी है, और ये 2 दे रखी है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं कि टोटल इंडक्टर क्या होगा, एल का मान क्या होगा। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, ये और ये क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुछ सर्किट इस तरह से बन जाएगा। यहाँ से अगर बनाना चाहिए हम सर्किट को सोल्व करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हेनरी दे रखा है। ठीक है, यहाँ से ये 8 था पहले, अब ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में थे भाई, 4 और 4 हेनरी श्रेणी क्रम में था, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हेनरी। ठीक है, अब देखो भाई, ये और ये कौन से पैरेलल में हो गए, समांतर क्रम में, इनको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 × 8 बटे में इन दोनों को जोड़ देते हैं, इनको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 हेनरी। इनका मान कितना हो गया, 4 हेनरी। सर्किट आगे कैसे बन जाएगा भाई, ये अपने को दे रखा था 8, ये 2 और ये 2, इन दोनों को सोल्व करके कितना गया, 4 हेनरी आएगा, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में थे, ये लो ये 4 हेनरी होगा। अब देखो भाई, ये वाला और ये वाला, ये कैसे है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका कितना होगा, 2 + 4 + 2 कितना, 4 × 2 = 8। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा, 8 हेनरी होगा। इधर 8 तो था ही, ये वाला ये तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और इनकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8 आ गई, ये भी 8 ही है, इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर भाई, 4 हेनरी आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर सोल्व किया सेम ऐसे ही सोल्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 4 हेनरी हो जाएगा। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा था, इसको सोल्व किया, फिर समांतर क्रम में जुड़ गया, फिर समांतर क्रम को सोल्व किया, फिर ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया, इस तरह से अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया, सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और आया हुआ क्वेश्चन भी देखो, दो कॉयल हैं कुंडली जो परस्पर रखी हुई है, उनके प्रेरित्व मतलब इंडक्टर का मान कितना दे रखा है, 3 और 3 हेनरी, मतलब दो कॉयल है, दोनों को मान के 3-3 हेनरी दे रखा है, इंडक्टर का मात्र क्या होता है, हेनरी होता है, तथा के का मान कितना दे रखा है, 0.8 दे रखा है, तो मैचर इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, एम का मान कितना होता है, आपको पता है कि एम बराबर मैचर इंडक्टेंस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर के रूट L1 गुणा L2। ठीक है, मैचुरल इंडक्टेंस निकालने के लिए अपना फॉर्मूला था। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपन एम बराबर के का मान कितना दे रखा भाई, 0.8 दे रखा है, तो क्या रखेंगे अपन यहाँ पर, के की जगह 0.8 रखेंगे। ठीक है, रूट L1 और L2 का मान, मतलब इंडक्टर L का मान कितना देगा, 3 और 3 हेनरी देखा, 3 × 3 क्लियर, एम बराबर 0.8 रूट 3 × 3 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 9। ठीक है, एम बराबर 0.8 × √9 का मान कितना होता है भाई, 3 होता है, इसको सोल्व करेंगे तो 8 × 24। ठीक है, और ये पॉइंट लग रहा था, यहाँ पर भी पॉइंट लगा देंगे। अब इंडक्टर की बात करते हैं, इंडक्टर का मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, इंडक्टर का मात्रा कितना होता है, हेनरी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को हमने वैल्यू रखी और ये अपना सॉल्यूशन होगा, 2.4 हेनरी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं, यदि किसी अल्टरनेटर के लिए
आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, कोई अल्टरनेटर है जिसे अपन एसी जनरेटर भी कहते हैं, उसकी आवर्ती कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज दे रखी है। ध्रुव मतलब पोल्स की संख्या 2 दे रखी है। तो अल्टरनेटर की गति आरपीएस में बतानी है हमको, ठीक है, किस में बतानी है, आरपीएस में कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हर्ट्ज मशीन की बात कर लेते हैं, क्या दे रखा है, आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। ध्रुव मतलब पोलों की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स कितने रखे हुए, 2 दे रखे हैं। अपन से पूछा क्या है, स्पीड पूछा है, एन बराबर ये पूछा है, और किस में पूछा है, आरपीएस, आरपीएस का मतलब है रिवॉल्यूशन पर सेकंड, और एक होता है आरपीएम, होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट या चक्कर प्रति सेकंड, तो सेकंड में पूछा है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था इक्वेशन, थोड़ा सा वो अलग था। अब देखोगे एन बराबर 120 गुणा फ्रीक्वेंसी बटे में पोलों की संख्या, जो कि जनरली फॉर्मूला है, फॉर्मूला पूछ सकता है, और इसे न्यूमेरिकल तो आपको मैं बता ही रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और लगभग लगभग सभी एग्जाम में ये रिपीट होता रहता है, ठीक है दोस्तों। एन बराबर देखो भाई, एन का मान दे रखा ना, सॉरी नहीं दे रखा, तो एन की जगह पर एन रखेंगे, 120 गुणा एफ फ्रीक्वेंसी का मान कितना रखा है 50 हर्ट्ज, पी नंबर ऑफ पोल्स कितने रखे हैं 2 दे रखे हैं, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 6 0, 6 5 30 और ये 0 और ये 0, ठीक है। तो कितना हो गया ये भाई 3000 आरपीएम, ठीक है, आर रिवॉल्यूशन पर मिनट, मोटर की गति वगैरह नापते हैं, उसके लिए यंत्र होता है टैकोमीटर, उसके द्वारा अपन मेजर करते हैं, और आरपीएम को पूरा नाम देते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट या चक्कर प्रति मिनट। अब ये स्पीड तो आ गई, किसमें आ गई, आरपीएम में, अपन को निकालने की किसमें थी, आरपीएस में, यही क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया है क्वेश्चन, आरपीएस दे रहा था तो वहां कंफ्यूजन रहते हैं, हम क्या करते हैं कि 3000 आरपीएम निकला और उसको आंसर टिक करके जो कि अपना गलत होता है, ठीक है दोस्तों। तो 3000 आरपीएम ये आरपीएम में आया है, नहीं कि आरपीएस में आया, आरपीएस में निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, कि जो आरपीएम में आया है 3000 उसको 60 से भाग कर देंगे, ठीक है भाई, एंड इसको 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 6 6 5 30, इस तरह से ये कितना आ जाएगा 50 आरपीएस में आ जाएगा, ठीक है भाई, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में आ जाएगा। ये था अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर, क्लियर दोस्तों। इस क्वेश्चन में समझाने लायक कुछ नहीं था, बस ये आरपीएस का बता रहा है, आरपीएम में तो हम निकाल देते हैं, आरपीएम से आरपीएस टू करते हैं तो 60 का भाग लगा देते हैं, क्लियर दोस्तों। अब करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चौथे नंबर का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं दोस्तों क्या है। यदि एक सोलेनोइड दे रखी है जिसमें टर्न्स जो है 1.5 टाइम कर दिया जाए, मतलब वर्तुलों की संख्या, घुमावों की संख्या कितनी कर रहा है, 1.5 गुना कर रहा है, कर दिया जाए तो इंडक्टर एल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सोलेनोइड में टर्न्स की संख्या कितनी कर रहा है, 1.5 गुना कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है टर्न्स की संख्या का, एल बराबर इंडक्टर याद करो अपन ने, ठीक है, देखो भाई यदि एक सोलेनोइड के टर्न्स की संख्या कितनी कर दे, 1.5 गुना कर दे, तो इंडक्टर पर इंडक्टिव जो वैल्यू होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। देखो यदि एक सोलेनोइड के टर्न्स 1.5 गुना कर दे, वर्तन जो लगाते हैं ये सोलेनोइड है, इसके जो टर्न्स होते हैं वो 1.5 गुना बढ़ा देते हैं, तो इंडक्टर की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन समझना जरूरी था आपको। तो एक फॉर्मूला होता है एल बराबर एन स्क्वायर एस, एन क्या टर्न्स की संख्या है। अब देखो इस क्वेश्चन में एस की तो बात ही नहीं कर रहा, इसलिए एस को अपन लेंगे ली। अब एन बराबर एन क्या टर्न्स, टर्न्स कितने कर रहा, 1.5 गुणा कर रहा ना, 1.5 गुणा कर रहा, इसका स्क्वायर करते हैं अपन, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 225, ठीक है, पॉइंट लगा दिया 225, ये इंडक्टर, इंडक्टर का मान किस में आता भाई, हेनरी में आता है, ठीक है, इंडक्टर का मात्रक क्या होता है, हेनरी में, ये भी जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब 2.25 भी दे सकते हैं ऑप्शन में, या कह सकते हैं 2 सही 1/4, ये भी बोल सकता है, या कह सकता है 2.25 गुणा हो जाता है, ठीक है भाई, समझ में आया दोस्तों। ये था चौथा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका आप एक नोट्स बना लिया करो, पूरे के पूरे न्यूमेरिकल ये एक जगह अपने हो जाएंगे, जब रिवाइज करने में आसान रहेगा, ठीक है। और खास बात क्या है, आपको मैंने पहले बता दिया ये सारे न्यूमेरिकल क्या है,
सारे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। कोई इसरो के एग्जाम में आया है, कोई डीआरडीओ के एग्जाम में आया है, कोई दिल्ली मेट्रो के में, कोई राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के में आया हुआ है, तो सारे के सारे क्या है ये क्लियर है सारे के सारे, ठीक है दोस्तों। और कोई क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।